So you must stay in control. It is your control. ठीक है? मेरे गंगा श्री गंगा नगर में कोई भी इंग्लिश इंस्टीट्यूट नहीं है. अब मुझे मैं तो अंग्रेजी सीखूंगा नहीं जिंदगी में. तो कंट्रोल इज इन अदर्स है. कोई खोलेगा, कोई खोलेगा. एक दिन ऐसा आएगा. ठीक है ना. यू टुक द कंट्रोल ऑफ योर सिचुएशन एंड यू केम टू ही डेली. गौरव यू नेवर वेटेड दैट आई विल गो टू श्री गंगा नगर. So who was in control of the situation? You. ठीक है. Otherwise ये 8 days नहीं 8 years गुजर जाएंगे ऐसे ही. सर वन डे वेन यू कम टू गंगानगर मुझे बताइएगा सर, मैं ज्वाइन जरूर करूंगा. मेरे पास नंबर ऑफ कॉल्स आते हैं. When you are conducting this program in this city, please let me know. I will surely attend. ठीक है. So, sir, मैं समझ जाता हूँ कि जो उनका आउटकम है डिजायर्ड स्टेट है उसमें दम नहीं है. तो इसमें ये टाइम का कैसे बनेंगे? टाइम फैक्टर भी तो टाइम फैक्टर नहीं कहेंगे हम. स्पेसिफिक में व्हेन वेयर विद हूम ये 3-4 चीजें. व्हेन डू यू वांट टू अचीव इट, वेयर डू यू वांट टू अचीव, विद हूम डू यू वांट टू अचीव. कर लेंगे देख लेंगे हो जाएगा कुछ बाकी. हां तो मैं स्पेसिफिक नहीं हूं. आउटकम अचीव नहीं करेंगे आप. अगर उसमें टाइम बाउंड प्रोग्राम है तो टाइम बाउंड पे वैन आ गया ना. ये सबसे पहले वैन लिखा है. व्हेन डू आई वांट टू अचीव इट. कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं विद हुम आई वांट टू अचीव इट. विवेक टीम आई मीन पीपल आर इंपॉर्टेंट. जब हम मेटा प्रोग्राम पढ़ेंगे, मेटा प्रोग्राम में हम यही तो पढ़ेंगे कि समटाइम्स डिनर इज नॉट इंपॉर्टेंट. मैं आपसे कहूं कि आज शाम को डिनर है, हो सकता है बता चुके सर कहां. For him, place is important. ये कहें और कौन कौन आ रहे हैं सर. People is in. ठीक है सर. क्या क्या डिनर कुछ और भी करेंगे. For him, the other activity is important. For him, वो कहेंगे सर वेज है कि नॉन वेज है. For him, the dinner is important. खाने में क्या कहेंगे हम. सिंह साहब कहते हैं कि भाभी जी भी आ रही है क्या. Means family is important. Means हर आदमी वो नहीं कि डिनर इंपॉर्टेंट. याद रखिएगा इसीलिए When? हो सकता है कोई ऐसे हो कि वो टाइम बाउंड हो. वेयर प्लेस ही ओरिएंटेड हो. वेन आई मीन विद होम आई वॉन्ट इट विद माई फैमिली. इफ यू वॉन्ट टू अचीव अ गोल ऑफ गोइंग पिकनिक टू सम आईलैंड सो फैमिली कुड बी इंपॉर्टेंट. फैमिली इज रेडी बट यू वॉन्ट टू गो इन मंथ आई मीन ओनली इन जनवरी बिकॉज सम फंक्शन इज देयर. सो टाइम कुड बी आई मीन डिसाइडिंग फैक्टर. यस और नो. और इनमें कोई सा भी नहीं है. कभी भी चले जाएंगे इसीलिए तो नहीं जाते हम लोग. कभी भी कर लेंगे. कभी भी कर लेंगे. ये देखिए पैरामीटर्स देखिए. जब चाहे तब कर लेंगे. इसलिए नहीं. When everybody is your friend, nobody is your friend. When you can do anything, you can't do anything. Even slightest. When you can go anywhere doesn't exist. Either Kanpur exists, Lucknow, Ambala, Chandigarh, Sri Ganga Nagar, Hardwar, यही तो exist करता है. Anywhere कहाँ करता है. ठीक है. द डे वन डे विल कम. ठीक है. वो भी कभी आता ही नहीं. सबकी जिम्मेवारी मतलब किसी की जिम्मेवारी नहीं. सर कंट्रोल में आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी पहले वो हमको याद आ गई. शेयर कर दे कि अगर आप कंट्रोल में नहीं है कोई और कंट्रोल में है तो फिर आपको ये चेक करना है हाउ विल यू मोटिवेट देम. यस वेरी ट्रू. वो मैंने बताया ना. सपोज द पर्सन इज सम डिपार्टमेंट इज कंट्रोल्ड बाय अ लॉयर. एक वकील आपके एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कर रहे हैं. उसका काम ये है कि ठीक है ना. बट यू आर नॉट ए लॉयर. देन यू नीड टू मोटिवेट हायर एंड मोटिवेट अ पर्सन हु नोज लॉ और हु इज अ लॉयर. देन फिर आपका पर्सनल एट्रीब्यूट आ गया. उसमें एक गुण आ गया कि भाई यू शुड हैव मनी. या तो उसको हायर करने के लिए या उसको मोटिवेट करने के लिए आपके पास पर्सनल कम्युनिकेशन कि आप ठीक है. In case you are not making him understand the point, you can hire the other person to teach the person. ठीक है ना. तो resources में तो है. Then comes chunk down. ये सबसे important, one of the important things है. जब आप अपने outcome पर काम कर रहे हो तो आपको chunk down करना है. How to eat an elephant? एक हाथी को अगर खाना हो तो कैसे खाओगे. One bite at a time. आप एनएलपी कैसे सीख रहे हो. सुबह से अब तक धीरे धीरे एक एक टॉपिक को हम ले रहे हैं.
जैसे टॉपिक खत्म होंगे कल से आप एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, देन यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग। जैसे एक्सरसाइज को करेंगे और आप कहेंगे माय गॉड ये मैंने ये क्या चेंज आ रही है मेरे अंदर, देन यू विल रियलाइज वन ऑफ द प्रीसपोजिशंस आल्सो दैट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एक्ट। ठीक है ना? सो चंक डाउन, मुझे सब 40 किलो वजन कम करके करना है, कैसे हो जाएगा? मुझे स्लिम बनना है, कब? अगले 6 महीनों में। ठीक है, आज क्या काम करना है? सर इस महीने मुझे 3 किलो वजन घटाना है, अब क्या करना है? आज से सर मुझे 10 मिनट की जॉगिंग करनी है, चलेगा? मींस यू नीड टू चंक डाउन। क्यों कर रहे हैं चंक आप, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जैसे बड़ा आपने आपको बड़े तरीके से देखता है कोई भी चैलेंज को, ब्रेन भाग जाता है वहां से, वो कहेगा इट्स टू पेनफुल, और पेन को ब्रेन अवॉइड करता है। सिंह सर पेन और प्लेजर की यही तो कहानी है, वी ऑलवेज अवॉइड द पेन गो फॉर द प्लेजर। यहां भी तो इसलिए आप बैठे हैं, या तो कोई पेन है या कोई प्लेजर, या तो मजा आ रहा है या कोई पेन है जिसको यार इससे पीछे छूटेगा, या कोई प्लेजर है यार सीख के कुछ नया शुरू करेंगे। ठीक है, चंक डाउन करते ही ब्रेन कहेगा यार बस इतना सी है। कभी भी एक बच्चे से कहना, उसे क्या होगा 3 पेज का आंसर मुझसे लर्न नहीं होगा, उनसे कहो पहली लाइन पढ़ो, अकबर अकबर वाज बोर्न इन 1605, ओके ओवर, क्लोज द बुक, व्हाट हैव यू लर्न्ड, अकबर वाज बोर्न इन 1605, ओके, इज देयर एनी स्ट्रेस? नो। किसी भी काम को करते हुए किसी भी पल रोकेगा कि इस वक्त मुझे स्ट्रेस है क्या? नहीं है, वो तो देख कर करने से पहले स्ट्रेस है, जब वेन यू आर इन द जॉब तब तो है ही नहीं। तो चंक डाउन करना है, क्यों? क्योंकि हमेशा 3 सिचुएशन होंगी। नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1, ये आप हैं और ये प्रॉब्लम है, आई एम इन अ बिग प्रॉब्लम, इट इज कॉल्ड सुसाइड इन सिचुएशन। When person thinks I am trapped in the problem and I don't have any way out, I don't have any way out भी कहता है, I am in a problem and have no way out, and he finds himself trapped, चाहे वो पैसे के मामले में हो, relationship में हो, बीमारी में हो, social situations हो, financial situations हो, ये पहला है। दूसरी सिचुएशन है सिंह साहब, देखिएगा इसमें कहां पाते हैं। दूसरी सिचुएशन है ये यू है और ये प्रॉब्लम है, सो प्रॉब्लम इज बिगर देन यू। यहां पर वो आदमी कहता है आई एम फेसिंग ए बिग प्रॉब्लम एंड हाथ यहां जाएंगे एनएलपी के अकॉर्डिंग उसको। नाउ जो प्लस पॉइंट ये है इसमें कि ही वॉज इन प्रॉब्लम इन द अर्लियर सिचुएशन, नाउ ही इज आउट ऑफ द प्रॉब्लम, बट ही थिंक्स द प्रॉब्लम इज टू बिग, और वो कई बार उसके हाथ आते हुए चेहरा यहां आएगा। सब मॉडलिटीज में मैं करके दिखाऊंगा, जैसे मैं किसी आदमी के बारे में आप सोचेंगे सडनली द फेस विल गो लाइक दिस, आप कहेंगे इट्स बिग प्रॉब्लम, आई एम फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं ये कहूं ये आप हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं, and suddenly you will find a breath of relaxation is there. आप कहेंगे कितनी प्रॉब्लम है यार, 10 है ना, 10 हो लिया, ला एक एक को सोल्व करते हैं, बिकॉज यू हैव बिकम बिगर देन द प्रॉब्लम। सो वेन एवर यू चंक डाउन एनीथिंग, योर ब्रेन स्टार्ट सीइंग द थिंग्स इन दिस सिचुएशन, नॉट इन दिस थिंग। इसमें तो लर्निंग ही नहीं है, ये तो नॉन लर्निंग जोन है जो कल पढ़ेंगे हम, ये भी नॉन लर्निंग है। इसमें थोड़ा सा ये है कि ये स्ट्रेसफुल है, डिप्रेसिंग है, ये भी स्ट्रेसफुल है, लेकिन ये सुसाइडल नहीं है। इसमें आदमी जब देर तक फंसा रहेगा तो वो ये सोचता है देयर इज ओनली वन वे आउट, कमिट सुसाइड। उसके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको चंक डाउन करिए, and suddenly he finds that he is solving or resolving one after one, yes or no? इसीलिए nursery के subject syllabus अलग है, 12th का अलग है।
वी चंक डाउन द थिंग्स. आप किसी भी गोल को चंक डाउन करिए, देखिए कितना है आपको टाइम बच जाता है. एवरीबडी हैज 24 आवर्स. गांधी जी के पास भी वही थे और हमारे पास भी है, ठीक है ना. जो सबसे बड़ा राइटर है उसके पास भी 24 घंटे वही है और हमारे पास सारी स्किल है, फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है. वाई? बिकॉज डीप डाउन जो भी जब भी आप काम शुरू करते हैं उससे पहले मान लेते हैं इट इज टू बिग, होना होना नहीं है, ये बिलीफ लेके चलता है. बट वेन यू चल डाउन यू कैन स्टार्ट डूइंग इट. एंड देन ये सारी चीजें बेकार है अगर आपके पास नवी चीज नहीं है. नाइन्थ थिंग इज मिसिंग. कंप्लीट पैकेज है इस यूथ के लिए. द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू क्रिएट गुड मेटाफोर्स स्टोरीज, ठीक है ना. 4-hour प्रोग्राम एंड यू आर द मास्टर ऑफ डाउन देयर. अगले साल इन दिनों में कम से कम 40 इंस्टीट्यूट के आप ऑनरेरी वो होने चाहिए. वेयर पीपल आर आस्किंग यू टू कम टू गिव दिस लेक्चर ओनली. इस पर अच्छी तरह तैयारी करिएगा. अभी आपको स्ट्रक्चर मिला है, पेंट वेंट करना तुम्हारे जिम्मे है, ठीक है. मैं तो एक बिल्डिंग खड़ा करता जा रहा हूँ जिस पर अभी ईंटें लगाकर और पेंट आपको करना. एंड नाइन्थ इज ये सब चीजें बेकार है अनलेस यू एक्ट. In case people do not understand your point, find some people who can understand and that person can make them understand. कई बार लोग भले आदमी की बातें नहीं समझते सर. लाल बत्ती पर रोकना है ये तुम्हारी बात थोड़ी सुन लेंगे. तो SSP साहब के साथ मिलो, उनके साथ बात करो, जैसा इनर वो उनके साथ कम्युनिकेट करो एंड जस्ट और दूसरी बातें जो दिस इज योर पावर. प्रेजेंट स्टेट डिजायर्ड स्टेट. अगर ये नौ चीज में से कहीं भी गड़बड़े तो आपको बैठकर उसको रिवाइव करना है, रिव्यू आई मीन पॉइंट ऑफ व्यू बनाना अपना कि मैं कहां चाहता हूं. फिर ले रहे योर आउटकम शुड बी पॉजिटिव. पॉजिटिव आउटकम शुड बी पॉजिटिव. इट शुड बी स्पेसिफिक. व्हेन आई वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर. नेचुरली यू डोंट वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर व्हेन यू वांट टू स्लीप और व्हेन यू आर वर्किंग इन योर बैंक. मां तो नहीं गए भाई लाइन में जितने भी लोग खड़े हो अब सुनिए. सक्सेस के ऊपर मेरा पहला लेक्चर हो गया. सर मेरे बच्चे की दवाई आनी है साहब, आप मुझे पैसे दे दो. सो इट्स नॉट पॉसिबल. क्लियर? स्पेसिफिक व्हेन वेयर विद होम हाउ मच, ठीक है ना. जरूरी नहीं है कि हर आज चीजों पर लगे. सर्टेन आउटकम्स आर रिलेटेड विद टाइम. Some places, some are related with human people. So, कौन सा important? क्योंकि अगर आपने ये सब चीजें नहीं जोड़ी और वो time related हो और time आपने जोड़ा ही नहीं तो फायदा क्या रहा? भाई 12th क्लास को आप 15 साल में पूरा करेंगे लेकिन वो तो 6 महीने दे रहा है टाइम को. आपको 6 महीने पूरा करना, नहीं आपके लिए 15 महीने देंगे. नहीं, ये टाइम बाउंड है, ठीक है ना. क्लियर? सो वेन वेयर विद होम क्लियर होने चाहिए. देन इज योर एविडेंस PSER. पहली चार फॉर्म आ गई. ई एविडेंस पहला क्वेश्चन करेगा सिर्फ फर्स्ट एंड ऑल. हाउ विल आई नो व्हेन आई एम अ पब्लिक स्पीकर? हाउ विल आई नो व्हेन आई एम टॉकिंग टू पीपल? व्हेन आई एम पुटिंग माय थॉट्स फॉरवर्ड? व्हेन आई एम सेइंग दोज स्टोरीज? व्हेन आई एम making such type of talk, I am a public speaker. आप कहने लगे नहीं, whenever I am addressing people from Tanzania. तो अभी सोचो कि Tanzania के लिए फिर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी. Resources, फिर आपके resources क्या हैं? Resources में personal resources, आपका commitment, आपका belief, आपकी values, क्यों है ये important आपके लिए? Why is more important here? क्यों चाहते हैं आप ये चीज? रिसोर्सेज है सर, पहली वैल्यू है उस डीएस पर जाने के लिए. क्यों जाना चाहते हैं वहां? बगल में बजाया यहां बजाया? बगल
देन रिसोर्सेज, ठीक है, ठीक है, इकोलॉजी, जो भी मैं कर रहा हूँ वो कहीं ऐसा तो नहीं कि फैमिली में पता चला कि कोई फैमिली मेंबर तो ऐसा नहीं है जो सुन आपको बनना नहीं देना चाहता, पहले जरूरी होता है, ठीक है ना। प्रेमचंद की तरह कहीं ऐसा ना हो कि आप एक पेज लिखे और शाम को गिरती फाड़ दे। अगर वो ऐसा है तो फिर क्या करें, यू नीड टू टॉक टू देम, कन्विंस नहीं करेंगे आप, उनको बताइए कि ये चीजें हैं और इससे हमें ये हो रहा है। उनकी जो भी आदमी आपसे कन्विंस नहीं होता पता उसकी क्या प्रॉब्लम होती है, समवेयर ही हैज अ फियर, उस फियर को खत्म कर दो। उसे फियर ये रहेगा कि ये पब्लिक स्पीकर बन गया, इसके साथ पता नहीं कितने, इसके पास टाइम नहीं रहेगा, इनके पास टाइम नहीं रहेगा तो मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं तो अपने आप में चीटेड फील करूंगा या करूंगी, हो गया काम, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो। उससे पहले उसने ऐसे काम करने शुरू कर दिए कि तुम्हें पब्लिक स्पीकर नहीं बनने देंगे। आप जैसे अपनी किट लेके बाहर निकलोगे, आई एम पब्लिक स्पीकर, पता चला उसी टाइम कोई ना कोई पंगा हो गया, उनको सर में दर्द हो गया, अपेंडिक्स का दर्द हो गया, माथे में दर्द हो गया, उल्टी आई मीन वॉमिटिंग शुरू हो गई, मतलब ये हो जाएगा कि तुम्हें उस टाइम नहीं जाने देंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनका फियर जो है एक पॉजिटिव मैसेज लेकर आ रहा है, तो टॉक टू देम। सो इकोलॉजी बाहर की भी और अंदर की, अपने भी और बाहर की भी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक स्पीकर बनते हुए आप में ऐसी कोई हैबिट है जो पब्लिक के सामने ना हो तो फिर वही हैबिट आपको मार देगी। ये याद रखिएगा, अगर मैं कोई भी कमिटमेंट ऐसा कर रहा हूं जो पब्लिक के सामने नहीं होना चाहिए और वो मैं कर रहा हूं, फिर आप दो में से एक चीज तो आप छोड़ेंगे और वो छोड़ेंगे नहीं जो डीप डाउन है। तो ऐसी कोई आदत वो पब्लिक स्पीकर नहीं बनने देगी। तो इकोलॉजी इंटरनल भी चेक करना है, समझ में आ रही है। पब्लिक स्पीकर अगर आप एक पीडी के इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं और अपनी ही पर्सनालिटी में 40 डिफेक्ट है, लेकिन वो 40 के 40 डिफेक्ट आपको बढ़ाना जा रहा है उनके साथ, तो फिर आप दूसरी तरफ के गोल को आपका माइंड कहेगा छोड़ो यार, उधर जाके कोई कहेगा ना। एक तरफ वही वाली बात है कि आप कह रहे हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए और गुस्से में ही आप रहते हैं, तो अपना तो छोड़ेंगे नहीं, उधर आप सिखाने जा रहे हैं। तो इकोलॉजी बैलेंस्ड है कि नॉन बैलेंस्ड है? तो क्या करेगा वो आउटकम, दूसरा खत्म कर देगा माइंड ऑटोमेटिकली, छोड़ो यार। मजा उसी में ही आ रहा है बस, स्मोकिंग वाली बात हो गई सर बस। फिर उसके साथ आपकी आइडेंटिटी कैसी है? आइडेंटिटी बन ही नहीं सकती अगर आप उसका जस्ट अपोजिट भी चल रहा है लाइफ में। तो कुछ फॉर एग्जाम्पल सर, कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बंदा सोचता है कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, अब उसको बीच में ऐसा लगता है कि नहीं यार सिंगर नहीं यार, कंप्यूटर का बहुत अच्छा स्कोप है और कौन बता हमारे इंडियन आइडल में ये कंप्यूटर वाला कोर्स करके भी काम चल जाएगा, तो इट मींस वो बंदा आइडेंटिफाई कर ही नहीं ना फिर उसके साथ। करा जिसको सपने ही सिंगिंग के आ रहे हो, इट मींस नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, उसका बिलीफ सिस्टम ही पहले गड़बड़ आ रहा अपने ऊपर ही। अल्टीमेटली एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। देन कम्स योर कंट्रोल, मेरे यहाँ कोई भी सिंगिंग कोच ही नहीं है तो मैं कैसे बनूंगा। एंड लास्ट टाइम मैंने देखा एक लड़की जो छठी की अनपढ़ लड़की अपने घर पे अपनी मदर को ट्री वो करती है, हेल्प करती है, छोटी सी बच्ची है, शी हैज गॉट सिलेक्टेड, जो छठी क्लास भी नहीं कर पाई वो इंडियन आइडल। हाँ ठीक है ना। एंड देन चंक डाउन योर वन बाइट एट अ टाइम एंड देन एक्ट, ठीक है सर। दो चीजें पूछनी है। हाँ सर, एक तो ये कि जैसे ये सारी चीजें हो गई, ये तो हमारे आउटकम की बात हो गई, इस आउटकम को अचीव करने के लिए जो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो आउटकम के इस फॉर्मेट से तो डिफरेंट होगी, स्ट्रेटेजी हम जो सही बनाए वो कैसे बनाए, उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे? ये तो आउटकम के ऊपर भी स्ट्रेटेजी क्या है। फॉर एग्जांपल वो स्ट्रेटेजी में रिसोर्सेज ही ले जाएंगे, स्ट्रेटेजी भी तो रिसोर्सेज का एक पार्ट है। प्लानिंग स्ट्रेटेजी में तो सर एक्शन प्लान हो गया ना, प्लान भी तो इसी में है आपका, प्लान भी तो आपके रिसोर्स ही तो है, रिसोर्स ही तो संसाधन ही तो आपके प्लान, उसके ऊपर है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप आईटी कंपनी खोलेंगे तो नेचुरली, या फिर आप आर्ट स्कूल तो नहीं खोल रहे हैं, वहां की उसकी उसकी प्लानिंग करनी होगी जो उसकी रिक्वायरमेंट है, दैट कैन बी
डिस्कस किया वो टाइम कि भाई आप मुझे बैंक खोलना तो मैं उसकी प्लानिंग क्या कैसे करूँ, तो बैंक के जो भी पैरामीटर्स होंगे, बैंक की कंपनी कैसे खुलेगी, उसके पैरामीटर्स क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, वो तो वो काम देखेगा। उसी रिसोर्स में हम लोग ढूंढेंगे, उसी रिसोर्स में पैसा लगाएंगे। ठीक है ना। दूसरी जो चीज थी वो ये थी सर कि जैसे हम यहाँ पे इकोलॉजी टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इकोलॉजी जो है वो पर्सन टू पर्सन भी तो अलग अलग डिपेंड करेगी। अगर हम एक टेररिस्ट की बात करें, ठीक है ना, इसी सेम चीज की बात करें कि टेररिस्ट की बात करें और उसका ये आउटकम है, मान लीजिए कि वो किसी नेशन का है, मान लीजिए कि एक बंदा है और उसको ये लगता है कि यार मेरा पॉजिटिव आउटकम है कि हमारे लोगों को यहाँ पे परेशान ना करें, इस पॉजिटिव आउटकम के लिए मैं ये सारा काम, वो परेशान ना करें, ये पॉजिटिव आउटकम है, वो मुझे परेशान ना करे, ये आउटकम पॉजिटिव है कि नेगेटिव आउटकम हो गया ना सर। हाँ, या हमारे यहाँ पीस रहे। हाँ, तो हमारे पीस रहे तो कभी टेररिस्ट नहीं बनेगा। ये बात सही है, क्योंकि वही हमें लग रहा था इकोलॉजी में तो वो संत बन जाएगा। क्योंकि वही हमें लग रहा था इकोलॉजी में तो वो सीधे से ये वाली बात आ जाएगी, वो कहेगा जो मेरे लिए रेलिवेंट लोग हैं उनकी जिंदगी में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे लिए छह लोग रेलिवेंट है, मैं सातवें की किडनैपिंग कर लेता हूँ छह लोगों को बच्चे टिक करने के लिए। तो सर इस तरीके से अगर हम पॉजिटिव आउटकम की तो होगी ना, होगा तो नेगेटिव वालों को तो फर्क पड़ता है ना। अगर हम पॉजिटिव काम करें, ठीक है, तो नेगेटिव वाले को तो फर्क पड़ता है इकोलॉजी में। अगर हम हर चीज को देखें, बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर मैं शांति से एक गार्डन लगा रहा हूँ तो वो नेगेटिव लोगों को भी उतनी छाया देगा। अगर गार्डन लगाना ही नेगेटिव लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं, वो अच्छा नहीं लग रहा, वो तो उनकी दूसरी कम्युनिकेशन नहीं है। अगर वो सिग्निफिकेंट लोग हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट करिए। वही तो मैंने बताया कि अगर आपको किसी काम करने से फियर है, आपके पार्टनर को, आपके बच्चे को, आपके पेरेंट्स को कोई फियर आ गया, उस फियर को फटाफट दूर करिए, नहीं तो वो फियर ही उसको खत्म कर देगा। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम रिच, बट करोड़पति बनने से पहले ही अगर आपके पार्टनर को एक फियर है कि करोड़पति बनते ही ये आदमी मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो सबसे पहला गेम क्या होगा, तुम्हें करोड़पति नहीं बनने देगा। इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल इकोलॉजी बैलेंस नहीं है। और बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिली में ये बहुत दुविधा है। सम ऑफ द फैमिली मेंबर्स दे डोंट थिंक, दे थिंक कि ये ज्यादा पैसा आएगा तो ये गलत आते लगेंगी। वो ये नहीं कहेंगे, वो ये नहीं जानते कि इसमें नहीं लगेंगी, वो कहेंगे नहीं लगेंगी, बस वो एक यूनिवर्सल बिलीफ बना लेते हैं जनरलाइज करके। यस, एंड वो हमेशा लाइफ में सेबोटाज खेलता रहता है। सेबोटाज षड्यंत्र अपने खुद के ऊपर, बिल्कुल ठीक है ना। सेल्फ सेबोटाज ही तो है। तो इकोलॉजी में ये नहीं है कि इकोलॉजी सिर्फ जो आपके सिग्निफिकेंट लोग हैं, अगर उस काम को करते हो सिग्निफिकेंट लोग, इसीलिए जब आपको कोई भी एक्सरसाइज के दौरान ये दिखा जाएगा कि आप स्मोकिंग छोड़ भी रहे हैं और आप हेल्दी बन रहे हैं, इज देयर एनी पर्सन इन योर थिंकिंग, गो इन टू योर विजुअलाइजेशन एंड सी पीपल अराउंड, इज देयर एनी पर्सन हु इज रियली ऑब्जेक्टिंग टू योर दिस आउटकम, एंड सडनली विल से यस सर। पांच फ्रेंड है खड़े हैं सामने जो साथ ही सिगरेट पीते हैं, वो नाराज हो रहे हैं। अब भी यही कहीं कहना पड़ेगा, नाउ कम्युनिकेट, फाइंड द वेज टू कम्युनिकेट विद देम सो दैट यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड योर पोजीशन विदाउट ऑफेंडिंग देम। ये नहीं उनको छोड़ दो, ब्रेन उन्हें नहीं छोड़ेगा, वो तो सिग्निफिकेंट है भाई, तो है। इसीलिए उसको यही कहा जाता है कि उनके साथ भी जो आप इश्यूज हैं उनको यही रिजोल्व करो, तब आपकी सिगरेट छुड़ेगी। समझ गए सर, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इजी है एनएलपी, कि जो आप अचीव कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं आपका कोई सिग्निफिकेंट फ्रेंड भी उसके लिए ऑब्जेक्ट कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो फिर आप नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेन के लिए कौन सिग्निफिकेंट है, आपका फ्रेंड। न्यूली सिग्निफिकेंट कौन है, आपका गोल। पुराने सिग्निफिकेंट को आप छोड़ पा रहे हैं, नहीं सर, वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि तुम सिगरेट छोड़ो, हाँ जी, तो फिर उनके साथ कम्युनिकेशन की अभी तरीका निकालो, वो रिसोर्सेज मारे। आगे आगे समझ में, फिर इकोलॉजी से वापस जाना पड़ेगा कि इस इकोलॉजी को मुझे पूरा करना है तो मैं क्या करूं। ठीक है ना, बिल्कुल सही। और समझ लीजिएगा, यूथ को एक बार करा दीजिएगा गोल से ले जाके आखिर तक, अभी तो इसकी इम्प्लांटिंग करानी है मुझे स्विच से, कि जो गोल है वो इम्प्लांट कैसे करना ब्रेन में, आइडेंटिटी कैसे है, इकोलॉजी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक फ्रेंड का सर्किल बन रहा है, चार फ्रेंड का सर्किल बन गया,
जिंदगी में मजा लेंगे यार, एंजॉय करेंगे, फ्रीडम करेंगे और सिगरेट पियेंगे और सब मौज मस्ती करेंगे। अब बताइए उसे कह दिया जाए कि नाउ यू नीड टू स्टडी हार्ड एंड गो अप, वो कहता है ये चार मार देंगे, इनका क्या होगा, ये तो पीछे छोड़ जाएंगे। इसी पेन में वो ब्रेन करता है, कहता मुझे लेट मी अवॉइड दिस बोर्ड। वो ये नहीं कहता कि नहीं मैं ऊपर जाकर भी इनके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं, लेट मी रीडिजाइन माय कम्युनिकेशन कम टू द रिसोर्सेज। कौन कह रहा है उन्हें छोड़ो आप, समझे मेरी बात, जंप डाउन एंड एक्ट, यहां तक ठीक है? ठीक है।